अब नेक्स्ट है फाइंड द लैम्डा एंड म्यू इफ दिस क्रॉस दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, मतलब क्या, आपको दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो जीरो के इक्वल दे रखा है। तो भैया ठीक है, हम तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट से। तो डिटरमिनेंट लेके इक्वल टू जीरो कर दो। तो पहले में लिखेंगे आई कैफ, जे कैफ, के कैफ, फिर कोफिशियंट लिख देंगे 2627 2627, और यहाँ पे क्या है 1, दूसरे वेक्टर का कोफिशियंट क्या है 1 लैम्डा म्यू। अब निकाल लो आई कैफ, ये हाइड करा 6 म्यू माइनस का 27 लैम्डा माइनस का जे कैफ, ये और ये हाइड हुआ 2 म्यू माइनस का 27। अब देखो डिटरमिनेंट निकाल लाना चाहिए, प्लस के कैप, ये और ये हाइड करा 2 लैम्डा माइनस का 6। अच्छा राइट साइड जीरो का मतलब क्या है, जीरो आई कैप, जीरो जे कैप, जीरो के कैप, यही तो मतलब है इसका। भाई राइट साइड में अगर जीरो लिखा है तो क्या मतलब है इसका, जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। कंपेयर कर दो, सबसे आसान ये दिख रहा है, के कैप का कोफिशियंट है 2 लैम्डा माइनस 6 और यहां जीरो है, तो 2 लैम्डा इक्वल टू 6, तो लैम्डा कितना आ गया 3। तो एक काम तो हमने कर लिया। अब म्यू के लो यहां से निकाल लो, यहां पे जे का कोफिशियंट है 0 और यहां पे जे का कोफिशियंट है माइनस टाइम्स 2 म्यू माइनस का 27, तो माइनस 2 म्यू प्लस का 27 इक्वल टू 0, तो 2 म्यू इक्वल टू 27, तो म्यू क्या आ जाएगा 27/2, तो ये आ रहे होंगे आंसर, समझ रहे हो। तो ये 3 हो गया, ये तुम्हारा 27/2 आ रहा है, यही आ रहा है आंसर। ठीक है, 3 और 27/2, क्लियर है क्या, समझ में आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो।